अस्सलाम वालेकुम, जिंदगी के रंग में खुश आमदीद। आप देख रही होंगी आज मेरे सेट पे कैसी रौनक है, काफी कुछ चेंज हो गया हुआ है। आज बहुत ही स्पेशल डे है और वो ये कि आज सेवन न्यूज चैनल की है बर्थडे। जी हाँ, एनिवर्सरी, फर्स्ट एनिवर्सरी। आज पूरा एक साल हो गया है आपके और हमारे ताल्लुक को। ये अलग बात है कि मॉर्निंग शो को अभी एक माह भी नहीं हुआ, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है और हम इन खुशियों को आपके साथ शेयर कर रहे हैं। कहते हैं कि यूं तो आसमान तो बहुत सितारे हैं, लेकिन कुछ सितारे जमीन पर भी हैं। मिसाल के तौर पर जब हमें कोई जान से प्यारा लगता है तो वो हमारी आंख का तारा हो जाता है, लेकिन जब कोई हमें ठोकर लगती है, दर्द होती है, तकलीफ होती है, तो हमें दिन में तारे नजर आना शुरू हो जाते हैं। ये भी तारों की एक किस्म है। फिर जब हम फिल्मी दुनिया की तरफ जाते हैं, किसी सेलिब्रिटी को देखते हैं, तो हम ये कहते हैं कि ये भी सितारे हैं, ये ज़मीन के सितारे हैं। और इसी तरह के सितारे हमने अपने आज के प्रोग्राम में भी बुलाए हैं। जी हाँ, एक सितारा ऐसा जो सब लोगों को बताता है कि तुम्हारे सितारे ये कहते हैं, तुम्हारे सितारे इस चाल चल रहे हैं, उनके सितारे किस चाल चल रहे हैं। और आज वो हमें किस सितारे के बारे में बताएंगी, किसकी चाल के बारे में बताएंगी। जी हाँ, आप पहचान गए होंगे, बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी एस्ट्रोलॉजर हैं। देखने में बिल्कुल नहीं लगता कि छोटी सी लड़की है भाई, क्या पता होगा, लेकिन चेहरा देख के, डेट ऑफ बर्थ का मिनट में बता करके जनाब पूरी हिस्ट्री खोल देती हैं और हम बाजू का नजरें भी छुपाना शुरू हो जाते हैं। जी हाँ, सामिया खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बर्थडे सेवन न्यूज, आप ऐसी हजारों सालगिरह मनाएं कामयाबी के साथ, आमीन। और जितनी अचीवमेंट्स अल्लाह ताला आपको अगले आने वाले साल को हम फिर आपके साथ इसी तरह मनाएं, और फिर हम काउंट करेंगे कि एक साल में सेवन न्यूज ने और क्या गेन किया। लेकिन अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसी हजारों साल की राय मुबारक करे। बुलाने के लिए बहुत शुक्रिया, और इतना प्यारा इंट्रोडक्शन देने के लिए आई एम हाईली अप्रिशिएटेड, हाईली ओब्लाइज्ड। सामिया, कहते हैं ना कि जो इस काबिल होता है उसी के बारे में इतनी तारीफें निकलती हैं। दूसरी बात ये कि जहाँ पे हमने आपको एक सितारे के बारे में बताया, वहाँ पे एक और सितारा भी है जिसका ताल्लुक टीवी से भी है, स्टेज से भी है, प्लेबैक सिंगर भी है, और भी बहुत कुछ हैं। वो हम इनसे अब बाकी बातें करेंगे, पूछेंगे कि और उन्होंने कौन कौन से कारनामे सर अंजाम दिए हैं। जनाब शफ़क अली, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम, सुबह बखैर। आपको भी सुबह बखैर, और देखने वालों को भी सुबह बखैर, और हैप्पी बर्थडे सेवन न्यूज। थैंक यू सो मच। अच्छा सर, मैं कभी सोचा था कि लोगों के सितारे बताते बताते खुद एक स्टार हो जाओगी? कितना प्यारा सवाल किया। जिनने फार्मेसी को पढ़ना ऐसे शुरू किया शौक शौक में, मैं बच्चा थी बिल्कुल, तो मैं अपने हाथ में बिल्कुल घर की औरत थी, मुझे बिल्कुल काम करना नहीं आता था, तो ये मैं शौक में करती थी। वो सहेलियां भी कहती होंगी जरा हमारा हाथ देखो, हमारे बारे हाथ में देखना कि मेरे हाथ में फेम लाइन है। मैंने कहना कि शायद मैं कोई फलाही कामों में चली जाऊंगी, मुझे बहुत शौक होता था बचपन से। अब्दुल सितारी भी रोल मॉडल थे, ऐसे जो भी लोग फलाही काम करते हैं मेरा हमेशा रोल मॉडल है। तो मैंने कहा शायद मैं किसी ऐसे काम में चली जाऊंगी, लेकिन ये बिल्कुल नहीं पता था मुझे कि एस्ट्रोलॉजी इस लाइन में मुझे ले आएगी और आज आप लोगों से रोशनास करा देगी, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा। तो सामिया, घर में सबसे पहले देखना शुरू किया कि घर वालों का, यानी अम्मी का देखा, बहन भाइयों का देखा? इसमें कोई शक नहीं है कि आप, तो मुझे लगता है कि आप खुद एस्ट्रोलॉजर हो। मैंने सचमुच जब इसको पढ़ना शुरू किया तो मैंने अपने अराउंड लोगों की ज़िंदगियों को पढ़ा कि जब इन लोगों के साथ जो ये सितारे लेके पैदा हुए, जो जायचा इनका बनता है, तो इन पे कैसे कैसे इन सितारों के असरात होते थे। और मैंने वाकई अपने घर वालों से सीखा, अपनी छोटे बहन भाइयों से, उनके ऊपर पेश गोइयाँ छोटी मासूम मासूम करके। तो फिर वो भी पूछते होंगे अब बताओ हम ये काम करने लगे हैं हमारा ठीक है क्या? नहीं, सुना ना, घर के पीर की इज्जत नहीं होती, घर की मुर्गी की इज्जत नहीं होती। लेकिन सचमुच मेरे घर वाले मुझे इज्जत देते हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि मेरे से पूछे बगैर वो बेचारे कोई भी काम नहीं करते। अच्छा, जब यहाँ पे आता है कोई भी काम नहीं करते, तो तुम्हें सितारों पे बिलीव है? मैं बहुत बिलीव करती हूँ, बहुत। और मेरी एक अजीब सी साइकी है कि मैं पहले स्टार पूछती हूँ फिर किसी से बात करती हूँ। ओह माय गॉड, इसका मतलब है मुझे पहले अपना स्टार बताना पड़ेगा। मुझे इस काबिल समझा है कि सामिया से मेरी दोस्ती हो सकती है, क्योंकि सामिया का सितारा लियो है। बिल्कुल नजर आता है कि शफक जो है ना, उनका एक खासा
नजर आ रहा है। मैं भी लियो हूँ। नहीं लियो मेरा फेवरेट स्टार है और लियो की बहुत सारी खूबियां हैं जो मुझे इंस्पायर करती हैं। आपका स्टार क्या है? मेरा लिब्रा। अच्छा, वैसे साम्या लिब्रा और लियो की बनती है? बिल्कुल बनती है। लियो इसमें कोई शक नहीं कि लियो दोस्त बहुत अच्छे होते हैं। आप हमारे जो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो हैं, आप देखिए कि वो उनकी दोस्ती मशहूर है कि वो अपने दोस्तों के लिए वो आउट ऑफ दी वे जाते हैं। उनका सितारा भी लियो है, तो वो एक साबित हमारे सामने मिसाल आ जाती है। लेकिन मैं आप सबको ये बताती चलूं, आउट ऑफ द वे जाएं लेकिन उस सूरत में कि किसी दूसरे के साथ ज्यादती ना हो, ये ज्यादा मेन बात है ना। ऐसे होता है बाज़ूकात कि हम अपनों का भला करते करते दूसरे का इतना ज्यादा नुकसान कर देते हैं कि भाई ज्यादती हो जाती है। हाँ, ज्यादती हो जाती है। वैसे सामने लिब्रा कैसे होते हैं? लिब्रा की सबसे जो प्यारी बात है ना वो ये है कि बहुत चिल बहुत होते हैं, मतलब वो जिंदगी को ना एंजॉय करने का फन जानते हैं। गम को धुएं में उड़ाने का फन उनको पता है। गम को धुएं में उड़ाते हैं, ये अपनी सिंगिंग के जरिए। वो कहते हैं ना जब सिंगर बहुत उदास हो तो वो उदासी वाले गाने गाता है। प्यारी बात है, मल्टीटास्कर होते हैं, घर भी मैनेज कर सकते हैं, काम भी मैनेज कर लेते हैं। जैसे मैं मल्टीटास्किंग नहीं कर सकती, मैं एक वक्त में दो सालन नहीं पका सकती। वाओ, लेकिन इनमें ये फन होता है कि ये लोग मल्टीटास्किंग करते हैं। लेकिन जो पकाते हैं क्या मजे का बनाते हैं? मैं बातें सबसे पहले इसका मतलब है जो हमें एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताओगी तो वो सिर्फ बातें होंगी? यानी बातें तो है ना, बातों से ही आपको कन्विंस करूंगी ना। ठीक है, अभी हम पूछेंगे अपने इस चैनल के बारे में भी पूछेंगे, अपने मॉर्निंग शो के बारे में भी पूछेंगे कि हमारे सितारे कहाँ पे हैं, कहाँ गर्दिश कर रहे हैं। सामने मुझे बताया कि घर में सबसे पहले आपने देखना शुरू की आप घर बहन भाइयों का। अच्छा, बहन भाइयों में से अम्मी अबू में से किसकी मुआफ़त ज़्यादा थी आपके साथ? मुआफ़त तो ऐसे ही होता, पेरेंट्स के लिए तो इंसान के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, कंपैटिबिलिटी है कि नहीं। लेकिन जैसे बाज़ साइंस होते हैं वो अपने फादर के साथ ज़्यादा अटैचमेंट होती है। जैसे मैं टॉरियंस को देखती हूँ तो टॉरियंस जो है वो अपनी माँ से बहुत अटैच होते हैं, कंसेरियंस माँ से बहुत अटैच होते हैं। लियो ज़्यादा फादरली फिगर होते हैं, फादर से इनकी बहुत अटैचमेंट होती है, क्योंकि सन इनका एक अच्छी हालत में होता है तो सन जो रिप्रेजेंट करता है वो फादर की मौजूदगी को करता है। तो मेरा भी रोल मॉडल मेरे अब्बा हमेशा से रहते थे, चाहे वो जिसमें चाहे वो जो अबू भी लियो थे, लेकिन अबू मेरी कमज़ोरी थी। तो समझती हो कि अबू आदतों में और तुम्हारी आदतों में कुछ खास फ़र्क नहीं है? अबू की और मेरी नहीं, मेरी माँ हमेशा कहा करती थी अल्लाह किसी दे कर लियो ना पैदा हो। वो अब्बा के गुस्से से भी जाती थी और बच्चा भी आगे से गुस्से वाला जिद्दी बच्चा भी। जिद्दी थी बचपन में? बहुत जिद्दी बच्चा, अभी भी जिद्दी। मन्नतों वाली औलाद जो होती है ना वो अक्सर बेचारी तंग करती है, क्योंकि मैं माँ बाप की शादी के 2 साल पैदा नहीं होती थी, मुझे पता था मेरे साथ अच्छी नहीं होनी। इस वजह से मैं जिद्दी बच्चा भी थी, तो मैंने ज़्यादा से माँ बाप बेचारे बचपन में तंग किया हुआ। लेकिन अब उतना ही मेरी माँ और मेरे अब्बू, जो अब्बू तो खैर अब डेथ हो गई, लेकिन अम्मा मेरे पे, खैर मेरी तो फुल कायनात मेरी माँ है इस वक्त में, और उनकी वजह से मैं चल फिर रही होती हूँ। तो वो जो है माजूर है बेड पे, पिछले 6 साल से बेड रिडन है। लेकिन ये कि मेरी स्ट्रेंथ, मेरी ताकत, मेरी कायनात वही है। अभी मदर्स डे पे भी हमारे मैन की जो दुआएं होती हैं ना वो बहुत काम करती हैं हमारी कामयाबी के पीछे, इनकी दुआएं। कोई शक नहीं, और मैं कहती हूँ कि ज़रूर अपनी ज़िंदगी में, जैसे लोग कहते हैं कि मदर्स डे एक दिन क्यों हुआ, मैं कहती हूँ ये दिन रिमाइंडर हैं। अगर हम कहीं गफलत कर रहे हैं अपनी रोज़मर्रा रूटीन में, हम इन जिम्मेदारियों को भूल रहे हैं, तो ये दिन एक रिमाइंडर आता है कि हम उस दिन की तलाफी कर लें। हो सकता है वो दिन आपको याद दिला दे कि हम कहाँ महरूमियाँ हो रही हैं, कहाँ हम अपनी फ्राइज से गफलत कर रहे हैं। तो मैं इन दिनों के हक में हूँ, मैं इनके अगेंस्ट नहीं हूँ। अच्छा, जहाँ पे दिनों की बात हो रही है वहाँ पे हम दिनों में साल भी ले आते हैं, यानी कि 2017, यानी हमारे 7 न्यूज़ को आज पूरा 1 साल हो गया है वन ईयर होते हुए। 2017 7 न्यूज़ के लिए कैसा रहेगा? आप देखो कि आप अगर माशाल्लाह सक्सेसफुली अपनी आज सेलिब्रेट कर रहे हो हैप्पी बर्थडे, तो अल्लाह का शुक्र है कि और 7 जो है ये नंबर बहुत पावरफुल है। अच्छा, इवन आप सोचें कि पाकिस्तान का नंबर भी 7 है, और पाकिस्तान ऐसे ऐसे नागहानी हालात से गुजर के आज भी सरवाइव कर रहा है, ये अपने 7 नंबर की पावर की वजह से। हाँ, जिसे हमेशा कहते हैं लकी 7। मैं हमेशा कहती हूँ कि मौजज़े की तरह बना है, मौजज़े की तरह इसने सरवाइव किया है,
और मौजज़े की तरह ही अपना नाम बनाएगा, और जो कि हम सुनते थे कि जी दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा, ये इस नंबर की इतनी पावर है कि इसको खिलाया भी नहीं जा सकता। और ये अपने अब तो खैर अपने बुरे दौर से निकल गया, ये मुल्क अल्लाह के हुक्म से इस जो है बहुत बेचारे पे हालात टफ रहे हैं, लेकिन ये 7 नंबर की पावर है, और यही 7 न्यूज़ को जो है इस नंबर की जो स्ट्रेंथ है, आप इसके बेनिफिट जब आप अगले साल इसकी सालगिरह मनाएंगी तो आप मज़ीद खुश होंगी, क्योंकि मज़ीद अभी तो ये बच्चा 1 साल का हुआ है ना, अब इसने चलना सीखा होगा तो ये अगले साल में दौड़ना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह ज़रूर। और हमारे जो चेयरमैन साहब हैं उन्होंने भी बड़ा सोच समझ के 7 नाम, मुझे लग रहा है कि हाँ बिल्कुल। और अच्छा ये जो 7 है जी जी। अगर ये डेट ऑफ बर्थ में आता है तो बहुत पावरफुल उन लोगों के लिए, क्या मतलब जो लोग इस नंबर के असर में पैदा होते हैं उनकी ज़िंदगी में अक्सर अल्लाह पाक बड़ी मौजज़ाती सिचुएशंस के साथ चीज़ें उनकी फेवर में कर देते हैं। 7 नंबर की पावर में मैंने जो लोग पैदा होते देखे बड़े स्ट्रॉन्ग देखे हैं, उनकी ज़िंदगी बड़े मिरेकल्स दिखाती है, चाहे वो जिस मर्जी महीने जी जिस मर्जी महीने में पैदा हो। 7 नंबर की पावर बहुत ज़्यादा है, और 7 महीने 7 की 5 की 9 की ये बड़े पावरफुल नंबर। अब जिस तरह हमारे यहाँ 16 से 7 बनता है ना, हाँ जैसे आप डाउटफुल हो अपनी बर्थडे के लिए, जो 16 से 7 बनता है वो ये होता है कि ज़िंदगी में मुश्किलात आती ज़रूर है, अल्टीमेटली ये नंबर फिर फेवर करता है उस बंदे को, और वो जो है वो चीज़ें उनकी फेवर में चली जाती हैं, उनकी ज़रा सिचुएशन में चीज़ें ज़रा मुश्किल से होती हैं, लेकिन अल्टीमेटली कामयाबी उनकी फेवर में हो जाती है। ये बात बता दी है कि खुशी वाले दिन में खुशी वाली बात बताई है। अच्छा साम्या, जिस तरह 20 मई को हमारे इस ट्रांसमिशन का आगाज हुआ, 20 तारीख क्या पॉजिटिव है? 20 मई 2016 में देखिए इनिशियली मुश्किलात आई हैं आपके चैनल पे, इनिशियली इसको मुश्किलात का सामना करना पड़ा क्योंकि 20 मई पे सितारे 2016 में सैटर्न और मार्स काफ़ी ऑपोजिशन में चल रहे थे, लेकिन फिर मुझे लगता है कि सितंबर नवंबर से सितारों ने 7 न्यूज़ को फेवर करना शुरू कर दिया, और इस साल इसको मज़ीद फेवर्स मिलेंगे, इस साल आपको मज़ीद खुशखबरियाँ अपने चैनल पर मिलेंगी। अच्छा जब तो आप टीवी भी कर रही थी, स्टेज भी कर रही थी, तो फिर प्लेबैक की तरफ क्यों क्यों? अब मतलब सिंगिंग जो भी करता है वो चाहता है कि हमारी सूरत सामने नज़र आए, हमारा पता चले, तो ये पर्दे के पीछे गाने का किस तरफ रुझान, किस कैसे रुझान आया? ये सिंगिंग के पार्ट्स हैं जिनको करना पड़ता है, और आपके लिए कोई भी मीटिंग छोटा बड़ा नहीं होता। प्लेबैक सिंगिंग ज़्यादा मेरा ख्याल है मुश्किल है, और एक चैलेंज होता है कि ये जी फला बंदा है ये सिर्फ ट्रैक गा सकता है, ये प्राइवेट गा सकता है, या मतलब अपने एल्बम्स कर सकता है, ये किसी की कॉम्पोजिशंस में नहीं गा सकता, तो फिल्म का ज़्यादा मुश्किल है काम। आपने अपने कॉम्पोजिशंस कोई बना? मैंने कुछ नाते वगैरह कंपोज किए हैं माशाल्लाह, और गाने की तरफ नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें वो जो है ना वो रंग भरने की कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से। जब कोई चीज़ पसंद नहीं आती जैसे म्यूजिक डायरेक्टर की या शायद की, तो फिर मैं कुछ चेंज कर लेती हूँ खुद से। तो ज़्यादा किसके मशवरे पे चलती हो मौसीकी के हवाले? मौसीकी की मेरी अपनी एक तबीयत है, अपनी एक सोच है कि मैं कंपेयर करती हूँ कि आप इंडिया लेवल को ज़्यादा मैं समझती हूँ कि उनको ज़्यादा अवेयरनेस है, ज़्यादा पता है, बीट का पता है, पाकिस्तान में इतना ज़्यादा वो लोगों को नहीं पता। हालांकि हर बंदा जिससे पूछने वो कहते हैं मैं सुपीरियर हूँ, लेकिन ये है कि आप मुकाबला नहीं कर सकते म्यूज़िक के हवाले से। अगर देखें तो हम अगर उनका देखें तो 60s का भी जो है ना म्यूज़िक उसको भी हम बीट नहीं कर सकते अब इस पोजीशन में भी। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि कंपोजिशंस बहुत अच्छी हैं, पढ़ाई लिखाई है उसके पीछे, उस म्यूज़िक जो है वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, वो ये भी तो नए इंस्ट्रूमेंट से जी उनकी जो है इबादत की भजन गाते होते हैं उनका बच्चा वो वैसे सुरीले बहुत ज़्यादा हैं। हाँ जी ये बिल्कुल फैक्ट है कि वो इतने सुरीले हैं कि उनको खुद समझ आती है वो बेसुरे नहीं है। हमारे यहाँ पे मतलब हर बंदा जो गाना शुरू करता है उसको क्रिटिसाइज इतना किया जाता है कि उसके सुर भी बेचारे के बिगड़ जाते हैं। लेकिन इसलिए ये जो है ना अलमिया है यहाँ का कि अवेयरनेस नहीं है, तनकीद बहुत ज़्यादा है, काम नहीं करते सब लोग बस तनकीद करते हैं, और तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें ये नहीं आता, हम तो ये करते हैं, हम तो ये करते, काम करके कोई नहीं दिखाता। अब देखिए कितने अच्छे से कोई गाना हिट नहीं हुआ,
तो एक अगर हिट हो जाए तो उसको सभी गाते हैं, उस तरह के सभी बनाना शुरू कर देते हैं, एक भेड़ चाल है, लेकिन नई चीज कोई नहीं फिर इंट्रोड्यूस करवाता। लेकिन नई चीज मैं करने लगी हूँ ना, क्योंकि मैं यहाँ पे लेने लगी हूँ ब्रेक। ब्रेक से वापस आके मजीद बातें होंगी और बहुत चुटकुले से भी होंगे। सो स्टे विद अस, देखते रहिए जिंदगी।